वर्ल्ड वंस अगेन। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन इस बार आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी सिंधी क्विजीन रेसिपी विद यू। इस बार पब्लिक डिमांड पे मैं मफिन्स बनाने जा रही हूं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, होम मेड। एंड मैं उनको फ्रायर में बनाऊंगी। अवन में भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैं इनको फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। सो वील स्टार्ट विद इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हम लोग नोट कर लें जो हमें चाहिए मफिन्स बनाने के लिए। मुझे 3 कप वाइट फ्लोर चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स अबाउट 20 से 25 मफिन्स बनाने के लिए हैं। 3 कप वाइट फ्लोर, 1.5 कप शुगर जो मैंने मिक्सर में पीस लिया है, पाउडर कर लिया है, अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ बटर पार्शली मेल्टेड, पूरी तरह से उसको मेल्ट नहीं करना, पार्शली मेल्टेड, देन बेकिंग सोडा, दिस इज बेकिंग सोडा, दिस इज बेकिंग पाउडर, देन वनीला एसेंस, देन 1/2 लीटर ऑफ मिल्क, 3 eggs, 3 अंडे, और ऊपर से अलग अलग फ्लेवर्स देने के लिए मैंने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं। मैं हर्शी सिरप यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसमें स्ट्रॉबेरी कंजर्व यूज़ करने वाली हूँ, और मैं इसमें मैंगो कंजर्व यूज़ करने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस हाउ टू मेक इट। सो हियर वी गो। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने मफिन्स बनाने की। सबसे पहले मैंने 3 अंडे इसके अंदर डाल दिए हैं, बीट कर दिए थोड़े से। इसके बाद मैं इसमें बटर ऐड करूंगी, जो मैंने 200 ग्राम बटर रखा था ये मैं इसी में डाल रही हूँ। शेक कर रही हूँ इसको थोड़ा सा। विल गो ऑन शेकिंग एवरीथिंग। हमको और कुछ नहीं करना, सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है, वन ऑन वन, धीरे धीरे करके हम एक एक करके सब चीज़ों को इसमें मिक्स करते जाएंगे। हेयर गोज माई बटर। एंड बटर के बाद मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। ये मैंने पूरा का पूरा शुगर डाल दिया इसके अंदर। इसको मैं बीट करती जाऊंगी साथ साथ। सो इसको हम बीट करते जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें धीरे धीरे, एक साथ नहीं, अभी मैंने 1 कप ऑफ मैदा डाला है, इसको मैं दूंगी शेक। Then I am going to add 1 more cup of maida. Here goes my 2nd cup of maida. इसको भी मैं शेक दूंगी अच्छे से, और इसमें हम लोग जो मैंने ये मिल्क रखा है, ये मिल्क इसीलिए रखा है कि जब गाढ़ा होता जाएगा तो इसको हम हल्का हल्का सॉफ्ट करने के लिए साथ में हम मिल्क डालते जाएंगे। एंड 1 more cup ऑफ मैदा। हियर गोज माय 1 more cup ऑफ मैदा। आई एडेड 3 cups ऑफ मैदा फुल इन दिस बैटर, और इसको हम चलाते रहेंगे और साथ में हम मिल्क इसमें डालते रहेंगे, सो दैट हमारे को जो कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें प्रॉपर मिल सके। तो ये देखिए, ये 2-3 मिनट हमने इसको चलाते रहे हैं इसके अंदर, बाउल के अंदर, एंड इसकी कंसिस्टेंसी जैसे हमें चाहिए, दिस इज ऑलमोस्ट डन। लेकिन अभी इसमें हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। I will be adding vanilla essence to it, a few drops of vanilla essence. Here goes my vanilla essence. 1/2 teaspoon of soda, meetha soda, baking soda jise hum kehte hain, 1/2 teaspoon, and about 1 teaspoon of बेकिंग पाउडर। ये गया 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। अब हम इसको फिर से शेक कर लेंगे।
थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर देंगे। जैसा मैंने बोला, मिल्क जो है वो जितना इसको प्रॉपर एक बैटर का रूप देने के लिए चाहिए उतना आप बेशक ऐड कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली उसको हमें सॉफ्ट रखने के लिए और प्रॉपर कंसिस्टेंसी देने के लिए। सो हियर इट गोज, देखिए ये मेरा बैटर तैयार है। अब मैं अपने एयर फ्रायर को प्री हीट करने जा रही हूँ। एयर फ्रायर को हम 5 मिनट के लिए प्री हीट पे रखेंगे 180 डिग्री पे, और उसके बाद हम उसमें अपने मफिन मोल्ड्स में इसको डाल के रखेंगे। मैंने अपने एयर फ्रायर को प्री हीट करने रख दिया है और अब मैं मफिन मोल्ड्स में ये वाला बैटर जो हमने तैयार किया है ये इसमें डालूंगी। इनको हमने, देखिए मफिन मोल्ड्स में कुछ भी नहीं डाल रही मैं, ना नीचे कोई ऑयलिंग हो रही है, बटर कुछ भी नहीं, ये हम सीधा पोर करेंगे इसमें। लेकिन आधा आधा, इसको पूरा ऊपर तक टॉप नहीं करना है, इसको आप हाफ हाफ भर लीजिए। मेरा एयर फ्रायर प्री हीट हो गया है। इट्स नॉट ओनली कि आप इसको एयर फ्रायर में ही बनाएं, आपके पास अवन है तो आप अवन में बना सकते हैं, आपके पास माइक्रोवेव में, आपके पास बेकिंग ऑप्शंस हैं तो आप उसमें बना सकते हैं। सो हेयर इट गोज, मैं इसमें एयर फ्रायर में अपने प्री हीटेड में इसमें मैं आपके 4-4 मफिन्स रख रही हूँ। अब इसको मैं अपने फ्रायर में 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। सो हियर इट गोज, जस्ट टू शो यू द कलर, ये देखिए ये मेरा फर्स्ट लॉट प्लेन मफिन्स का तैयार है। और इसको टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप लोगों को पता ही होगा, चाकू अंदर डाल के निकालेंगे। अगर ये चाकू बिल्कुल साफ निकलता है दैट मीन्स आवर मफिन्स आर रेडी। सो हियर इट गोज, यू सी द कलर, पूरा घर महक चुका है केक्स की खुशबू से, मफिन्स की खुशबू से। सो अब मैं इसमें नेक्स्ट लॉट डालूंगी और ऐसे ही सारी चीजें हम अलग अलग गार्निशिंग्स के साथ में बनाएंगे। येट अनदर लॉट ऑफ मफिन्स, इसके ऊपर मैं वॉलनट्स डाल रही हूँ। जस्ट पुट इट लाइक दिस, ऊपर से थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट लॉट हम ये डालेंगे। द नेक्स्ट लॉट गोज विद मैंगो कंजर्व। तो फ्रेंड्स, हमारे सॉर्टेड मफिन्स एक ही बैटर से तैयार हैं। देखिए मैंने अलग अलग किस्म के आपके लिए मफिन्स बनाए हैं, प्लेन, देन वॉलनट, देन स्ट्रॉबेरी कंजर्व, देन मैंगो कंजर्व। सी हाउ द जूसेस आर कमिंग आउट ऑफ इट। सो किड्स वुड रियली लव इट, इवन आई फील लाइक हैविंग वन राइट नाउ। एंड ये मेरा हर्षी सिरप जो मैं अभी एक मफिन के ऊपर डाल के और खाने वाली हूँ। सो माई फ्रेंड्स, स्पेशली मोनिका, रेखा, ऑन योर डिमांड आई हैड प्रिपेयर्ड दिस। So learn and enjoy, make it and eat it. It's soft, it's crispy, perfect sweet, must. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको रेसिपीज देने वाली हूँ। एंजॉय, हैव अ गुड डे। इस रेसिपी के बाद
अगर कुछ लोग एक टिप चाहते हैं इतने फैट्स को बर्न करने के लिए, join me for 2 minutes. I'll give you a tip. Bye. तो फ्रेंड्स आपका फैट बर्न करवाते हैं. खा लिया खूब सारा मक्खन शक्खन सब खा लिया. ओके अब कुछ नहीं करना आपको. आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं आपको एक मुद्रा बता रही हूं. यू जस्ट हैव टू टेक योर रिंग फिंगर को फोल्ड कीजिए, उसको थंब से प्रेस कीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके बैठ जाइए. ठीक है, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप बस में हैं, आप किसी भी मोड ऑफ ट्रैवल से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं. आप पालथी जमा के घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं. जस्ट होल्ड दिस फॉर 10 to 15 minutes एंड आपको ये आपका फैट बर्न करने में हेल्प करेगा. सो इफ यू लाइक द टिप यूज इट फॉर योर गुड. और ऐसे छोटे छोटे लिफ्ट टिप्स मैं देती रहूंगी एंड दीज टिप्स आर बेसिकली दोज ओनली विच आई एम एक्सपेरिमेंटिंग एंड यूजिंग इन माई ओन लाइफ. Bye, have a good day all.